Hello everyone, welcome back to GK today. This is Nuzhat Sana और आज के सेशन में हम बात करेंगे 22nd और 23rd ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अच्छा, इसके अलावा एक बहुत जो ज़्यादा डिमांड आ रही थी वो आज मैंने कंप्लीट कर दी है. आप सब लोगों का मन था कि जो पुराना फॉर्मेट है उसको कंटिन्यू किया जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं. हर क्वेश्चन के बाद हम लोग उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस करंट अफेयर्स देखेंगे. ठीक है, तो आइए प्रोसीड करते हैं अपने सेशन की तरफ. पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज हैज अपॉइंटेड विच ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. हाल ही में बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है. करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी ऑप्शन, मनु भाकर. ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने अपॉइंट किया है मनु भाकर को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. ओके, और ये अनाउंस्ड किया है हमारे मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने ड्यूरिंग एन इवेंट जो कि कहाँ पे हुआ था, चेन्नई सिटी में. ठीक है, कब हुआ था, 17 सितंबर को. ठीक है, तो ये जो इवेंट है ये बेसिकली फोर्थ हार्नेसिंग थी नारी शक्ति की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. पर्पस यहाँ पे क्या था, वुमेन अचीवर्स को ऑनर करना, और इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने अलॉन्ग विद कमराजार पोर्ट अथॉरिटी. ये इवेंट हुआ है एट द इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ऑफ द चेन्नई पोर्ट. आप यहाँ पे मनु भाकर की फोटो देख सकते हैं. इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज. ओके, इस क्वेश्चन के बाद अब क्योंकि यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज की बात कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स जो पिछले 6 से 8 महीने में न्यूज में आए थे. यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. सीबीएसई में नए चेयरमैन हाल ही में कौन बने हैं, इनका नाम है मिस्टर राहुल सिंह. विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर्स हैव बीन नेम्ड द रेसिपिएंट्स ऑफ द 58th जननपीत अवार्ड. 58th जननपीत अवार्ड किसको दिया गया था इस साल, ये हैं गुलजार एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य. दो लोग ने इसको जॉइंटली शेयर किया है. कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जननपीत अवार्ड का ये कौन सा एडिशन था, याद रखिएगा 58th नंबर का एडिशन था. ठीक है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डीजी बने हैं मिस्टर नलिन प्रभात. रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कन्फर्ड द आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड. पीएससी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को. रिसेंटली IEEE केरला सेक्शन हैज गिवन द KPP नाम्बियार अवार्ड टू होम. यह अवार्ड दिया गया है एस सोमनाथ को. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ UPSC मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. रिसेंटली UPSC की नए चेयरमैन है प्रीति सुदन. रिसेंटली विच जापानीज एनिमेटर हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रेमन मैक्सेसे अवार्ड फॉर 2024. इस साल का रेमन मैक्सेसे अवार्ड प्रेजेंट किया गया है हायायो मियाजाकी को. याद रखिएगा ये कौन सी कंट्री से हैं, जापान कंट्री से. ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन हमारे पिछले 6 से 8 महीने के हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. रिसेंटली हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ NCT दिल्ली. हाल ही में NCT दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, अतिशी. ठीक है, तो 17 सितंबर 2024 को आम आदमी पार्टी ने इलेक्ट किया है अतिशी मार्लेना को एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. ठीक है, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो फॉर्मर CM थे मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है, और करप्शन चार्जेस को लेते हुए इन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ा है इन द दिल्ली लिकर एक्साइज केस. ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल 3 times चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं दिल्ली के, और इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर VK सक्सेना. ठीक है, और अतिशी मार्लेना की यहाँ पे बात करें तो ये MLA हैं फ्रॉम कलकाजी, और ये इसी के साथ 3rd वुमेन है और 8th पर्सन है, याद रखिएगा 3rd वुमेन है और 8th पर्सन है टू सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. ठीक है, तो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म है वो खत्म होगा 11 फरवरी 2025 के बाद, जहां पे आम आदमी पार्टी होल्ड कर रही है 62 सीट्स को फ्रॉम द 2020 इलेक्शंस. ओके, तो आपको दो बातें याद रखनी है, NCT दिल्ली में नई चीफ मिनिस्टर कौन बनी है, ये है अतिशी मार्लेना, और इसके पहले कौन थे चीफ मिनिस्टर, तो ये थे अरविंद केजरीवाल. इनके ऊपर क्योंकि करप्शन चार्जेस थे रिगार्डिंग द दिल्ली लिकर एक्साइज केस, इसकी वजह से इन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ने का फैसला किया है. ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ हम नेशनल न्यूज एक बार देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर रिसेंटली मेंशनड इन द न्यूज. इस इंडेक्स नंबर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है एक स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड सिस्टम को
या एड्रेसिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करना इंडिया के अंदर. रिसेंटली वेयर वॉज द लखपति दीदी सम्मेलन हेल्ड, ये इवेंट हुआ था जलगांव में जो कि महाराष्ट्र में है. रिसेंटली इंडिया एंड इसराइल हैव लॉन्च्ड अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी एट विच इंस्टीट्यूट. दो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, इंडिया और इसराइल, और ये मिलकर एस्टैब्लिश करेंगी सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी को कहाँ पे, IIT मद्रास में. कोन्याक्स हुवर इन द न्यूज रिसेंटली आर द लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ विच इंडियन स्टेट, ये लार्जेस्ट ट्राइब है नागालैंड स्टेट की. सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये प्रोजेक्ट है आसाम का. Recently, how much fund has been approved for the Digital Agriculture Mission by the Union Cabinet of India? इसके लिए कितना fund allocate किया गया है? 2,817 crore rupees. फिर last है, recently which armed force has launched the Electronic Services E-Health Assistance and Teleconsultation means E-Sehat module? ये launch किया था Indian Army ने, ठीक है? चलिए question number 3 पे चलते हैं. Which country won the Men's Asian Hockey Champions Trophy 2024? किस देश ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 को जीता है? The correct answer here is A option, India, ठीक है? Indian Men's Hockey Team, जिसको कि लीड किया है हरमनप्रीत सिंह ने, जीत लिया है Men's Asian Hockey Champions Trophy को for a record 5th time, ठीक है? 5th time हम इस trophy को जीत रहे हैं. और इसी के साथ इंडिया ने किसको हराया है फाइनल्स में? तो इंडिया ने चाइना को हराया है फाइनल्स में, और इसका फाइनल्स जो है वो भी चाइना में हुआ था, ठीक है? तो इंडिया ने इसके पहले ये ट्रॉफी जीती है, कब कब जीती है? 2011 में पहली बार, फिर 2016 में, 2018 में और 2023 में, और फाइनल ईयर 2024 में भी जीत लिया है. तो इंडिया अनबीटन रही इन द टूर्नामेंट. इसी के साथ हमने हराया चाइना, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को. चाइना अपने फर्स्ट एवर फाइनल्स में पहुंची थी और पाकिस्तान की पोजीशन थर्ड रही आफ्टर डिफीटिंग साउथ कोरिया, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि इंडिया ने जीत लिया है मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को, किस कंट्री को हरा के? तो चाइना को हरा के, ठीक है? और इसके लिए हमारे कोच कौन थे इंडियन टीम के? इनका नाम याद रखिएगा, क्रेग फुल्टन इनका नाम था, ठीक है? क्रेग फुल्टन इंडियन टीम के कोच थे इस दौरान, और याद रखिएगा ये करंट कोच भी हैं फिलहाल इंडियन हॉकी टीम के लिए, ठीक है? चलिए अब हम लोग कुछ स्पोर्ट रिलेटेड एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं. यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच प्लेयर इज सेट टू बी अवार्डेड द क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द BCCI अवार्ड्स. तो BCCI अवार्ड्स में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया था? शुभमन गिल को. रिसेंटली हु बिकेम द यंगेस्ट मेल चेस प्लेयर टू विन द फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट. यंगेस्ट मेल चेस प्लेयर हैं डी गुकेश टू विन द फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट. आपको बताना है कि डी गुकेश इंडिया के किस नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं. सब लोग अपने जवाब कॉमेंट्स में मैंशन करेंगे. नेक्स्ट है, हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन जूडो एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स. ये हैं कपिल परमार. रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द 9th वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप. करेक्ट आंसर है श्रीलंका. रिसेंटली विच कंट्री सिक्योर्ड देयर सेकेंड कंसेक्यूटिव कोपा अमेरिका चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग द कंट्री कोलंबिया. कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती थी अर्जेंटीना ने कोलंबिया कंट्री को हरा के. विच प्लेयर रिसेंटली क्लिंच्ड द चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टाइटल. ये टाइटल जीता है डी गुकेश ने अगेन. चंद्रू जी हु रिसेंटली क्लिंच द WBC इंडिया क्रूजर वेट चैंपियनशिप टाइटल बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट. इन्होंने इस चैंपियनशिप को क्लिंच किया और ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु स्टेट से, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. भीतरकनिका नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. हाल ही में समाचारों में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? लोकेशन इसकी क्या है? आंसर है सी ऑप्शन, उड़ीसा, ठीक है? न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि जो नेस्टिंग बर्ड्स की पॉपुलेशन है भीतरकनिका नेशनल पार्क में वो इंक्रीज हुई है, ठीक है? और इसी वजह से बस ये चर्चे में था. तो ये जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है ओडिशा के केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? और ये लोकेटेड है एक डेल्टा पे जिसको कि फॉर्म करते हैं ब्रह्मानी, बैतरानी एंड धामरा रिवर्स, ओके? तो ये पार्क लगभग 672 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर करती है. इसी के साथ ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है, ठीक है? इसमें आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे, रिवर्स मिलेंगे, क्रीक्स मिलेंगे, साथ ही टाइडल डेल्टाज भी मिलेंगे. और ये इस पार्क में जो स्पेशीज और वेजिटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंटरिडल रीजन्स के लिए. तो भीतरकनिका याद रखिएगा ओडिशा का सेकेंड रामसर साइट है आफ्टर चिल्का लेक. चिल्का लेक पहली रामसर साइट है ओडिशा में और सेकेंड है ये भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है? कहाँ पर लोकेटेड है याद रखिएगा, ओडिशा स्टेट में. इसी के साथ चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट जगहों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोकेशंस देखेंगे जो पिछले दिनों न्यूज़ में थे.
पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मोंगला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अब ये मोंगला पोर्ट जो है किसी न किसी वजह से चर्चे में आया होगा और इसके बारे में हम पिछले अपने सेशंस में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट में इसकी लोकेशन देके आगे बढ़ जाएंगे, और हर क्वेश्चन को अगर डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह। तो मोंगला पोर्ट लोकेटेड है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, स्कारबोरो शोल इज लोकेटेड इन विच वाटर बॉडी। ये शोल लोकेटेड है साउथ चाइना सी में। शहीद बेहेश्ती पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये पोर्ट है ईरान में। नकला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये पोर्ट आपको मिलेगा मोजाम्बिक में। पनामा कैनल कनेक्ट्स विच टू ओशन। ये कैनल कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, डाइजेस्टन रीजन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये रीजन है रशिया में। विच एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड आफ्टर महर्षि वाल्मीक एज पर द रिसेंट न्यूज। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अयोध्या, ठीक है। जो अयोध्या का एयरपोर्ट है उसका नाम महर्षि वाल्मीक जी के ऊपर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द कलवारी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेत्रा कमीशन। हाल ही में कलवारी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी यानी कि विनेत्रा कहाँ पर शुरू की गई है। द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, विशाखापट्टनम, ठीक है। इसको आप सबसे पहले याद रखिएगा, विनेत्रा के नाम से भी जानते हैं, और इसको कमीशन किया गया है एट INS सतवाहना, ठीक है। और कहाँ पे किया गया है, विशाखापट्टनम में। किसने किया है, तो वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने, ठीक है। तो विशाखापट्टनम की यहाँ पे अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम में बेसिकली ये बेस है माना जाता है ईस्टर्न नेवल कमांड के लिए, और ये की फॉर्मेशन है इंडियन नेवी के लिए। ये सिटी होस्ट करती है डिफरेंट नेवल फैसिलिटीज को इंक्लूडिंग द नेवल डॉकयार्ड, एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के मैरिटाइम डिफेंस में, ठीक है। तो विनेत्रा बेसिकली इंप्रूव करती है क्रू मेंबर्स के स्केप स्किल्स को फ्रॉम डिस्ट्रेस्ड कलवारी क्लास सबमरीन। ये फैसिलिटी सपोर्ट करती है इंडिया के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को, और यहाँ पे कंट्री का फोकस ये दर्शाता है कि किस तरह से कंट्री डेडिकेटेड है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कलवारी सबमरीन स्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी को कमीशन किया गया है एट INS सतवाहना, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, ठीक है। यहाँ पे चलिए कुछ डिफेंस रिलेटेड करेंट अफेयर्स देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसको डेवलप किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज एन इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री। ये फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रिसेंटली इंडिया डिलीवर्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू विच कंट्री। कुछ दिनों पहले अपने ब्रह्मोस मिसाइल्स अपनी दी हैं फिलीपींस कंट्री को। सोराय सेटेलाइट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच कंट्री। सोराय सेटेलाइट्स को लॉन्च किया है ईरान ने। What distinguishes the new Chinese aircraft carrier Fujian that was recently in news from its predecessors? The correct answer is EMALS, means electromagnetic aircraft launch system मौजूद है इस Chinese aircraft में। Caliber cruise missile was developed by which country? Caliber cruise missile किस country का है? Russia का। What is the name of radar that is being developed by India for the Sukhoi 30 MKI fighter jet fleet for advancement? The correct answer is Virupaksh, okay? Next question पे चलेंगे। विष्णुपद टेम्पल एंड महाबोधि टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। हाल ही में खबरों में रहे विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? ये दोनों टेम्पल्स आपको मिलेंगे बिहार स्टेट में, ठीक है। न्यूज में क्यों आए हैं, क्योंकि यूनियन बजट जो तैयार किया गया है 2024 और 25 का, उसमें प्लान ये भी रखा गया है कि कुछ कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाए इन दो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में बिहार के। फर्स्ट वन इज विष्णुपद टेम्पल जो कि गया में है, और सेकेंड है महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में है, ठीक है। तो विष्णुपद टेम्पल जो है ये लोकेटेड है फाल्गु रिवर बैंक्स पे इन गया। और याद रखने वाली बात क्या है कि ये किस गॉड को डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड विष्णु के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। इसमें फुटप्रिंट माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु का फुटप्रिंट भी है इसमें। इसको 1787 में बनाया गया था क्वीन अहिल्या बाई होलकर के द्वारा, और इसको स्पेशली विजिट किया जाता है ड्यूरिंग पितृपक्ष। और इसी के साथ जो महाबोधि टेम्पल है जो कि बोध गया बिहार में है, ये वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट अटेन हो गई थी, ठीक है। तो ओरिजिनली इस टेम्पल को बनवाया था एम्परर अशोका ने इन द 3rd century BC, लेकिन जो करंट इसका स्ट्रक्चर है वो 5th to 6th century का माना जाता है, ठीक है। तो इसमें 50 मीटर हाई टेम्पल इंक्लूडेड है, साथ ही वज्रासना और अदर सेक्रेट साइट्स भी हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है ब्रिक टेम्पल आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि इसकी लोकेशन क्या है, विष्णुपद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल, दोनों टेम्पल्स आपको कहाँ मिलेंगे, बिहार स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे चलिए कुछ आर्ट एंड कल्चर के एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे,
The Boja Sanvasi Akshar Purushottam Swami Narayan Sanstha Temple was recently inaugurated in which city of UAE? ये temple बहुत news में आ गया था क्योंकि ये UAE में inaugurate किया गया है और ये Abu Dhabi city में inaugurate हुआ है. Rusoma Orange Festival is celebrated in which Indian state? ये festival Nagaland का है. Bhojchala complex sometimes seen in the news is situated in which Indian state? ये complex है मध्य प्रदेश में. What is sarcophagus recently seen in the news? ये क्या चीज़ है? ये एक decorated coffin या container है. उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये दोनों केव्स आपको ओडिशा में मिलेंगी. गुरुद्वारा सिस गंज साहिब एंड गुरुद्वारा रकब गंज साहिब इन दिल्ली आर एसोसिएटेड विद विच सिख गुरु? यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली फाउंडेड द न्यूलिथिक एज रॉक कार्विंग्स ऑफ विच इंडियन स्टेट? आंसर इज गोवा. ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. रिसेंटली वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल पायलट प्लांट इंट्रोड्यूस्ड? हाल ही में भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहां पर शुरू किया गया? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, पुणे. ठीक है, ये इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल पायलट प्लांट है जिसको कि पुणे महाराष्ट्र में इनॉग्रेट कर दिया गया है. इसकी कैपेसिटी है 1.4 टन्स पर डे अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ठीक है, यानी कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे डेवलप किया गया है और इसको सपोर्ट करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो CO2 टू मेथनॉल जो कन्वर्जन है उसमें क्या होता है, कार्बन एमिशन को कैप्चर किया जाता है फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्सेज लाइक पावर प्लांट्स या फिर डायरेक्टली एयर से लेके. तो जो कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाद में रिएक्शन कराई जाती है हाइड्रोजन के साथ मेथनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए. तो ये टेक्नोलॉजी असल में हेल्प करती है टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और एक सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स ये प्रोवाइड करती है. ये जो प्लांट है एक सिग्निफिकेंट स्टेप साबित होगा इंडिजिनस कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन को एडवांस करने में, इनकी यानी कि टेक्नोलॉजीज को एडवांस करने में. इसी के साथ ही अलाइन करता है इंडिया के पंचमृत मित्र क्लाइमेट गोल्स के साथ. ठीक है, तो इंडिया का ये पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल पायलट प्लांट है जो कि इंट्रोड्यूस कराया गया है पुणे सिटी में महाराष्ट्र के. ठीक है, आइए कुछ नेशनल न्यूज देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द टेबल थीम्ड एज भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्लिंच्ड द फर्स्ट प्लेस एट द रिपब्लिक डे, इट वॉज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ. रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ 10% ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू अग्निवीर्स इन कॉन्स्टेबल फॉरेस्ट गार्ड जॉब्स? पिछले दिनों ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, आंसर है हरियाणा. रिसेंटली विच स्टेट्स हाईकोर्ट हैज अपहेल्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स बैन ऑन हुक्का एंड वाटर पाइप स्मोकिंग? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका. कर्नाटका में जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने पहले बैन लगाया हुआ था हुक्का और वाटर पाइप स्मोकिंग के ऊपर, जिसके बाद स्टेट के हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया उनके इस बैन को. रिसेंटली विच रीजन ऑफ इंडिया इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टाइटल बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल? दिस रीजन इज श्रीनगर. वट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीन प्लांट प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका पर्पज है एक्सेस प्रोवाइड करना टू वायरस फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स टू द फार्मर्स. ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म? ये हाल ही में लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने. रिसेंटली अमृत ज्ञान कोश एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल्स वर लॉन्च अंडर विच मिशन? इनको डेवलप किया गया अंडर मिशन कर्मयोगी. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाग किंचिली और जिसको कि आप राजा मिर्चा फेस्टिवल भी कहते हैं रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? हाल ही में समाचारों में रहा नागा किंचिली या राजा मिर्चा त्यौहार किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, नागालैंड. ठीक है, तो नागालैंड ने सेलिब्रेट किया हाल ही में इस फेस्टिवल को जहां पे इन्होंने अपनी कम्युनिटी फार्मिंग को शोकेस किया है. नाग किंग चिली जिसको आप भूत जोलोकिया या घोस्ट पेपर के नाम से भी जानते हैं, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिलीज हैं और इनको सर्टिफाई किया गया है बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन 2006 और इसने GI टैग रिसीव किया था 2008 में. ठीक है, तो ये जो चिली है ये प्राइमरीली कल्टीवेट होती है कुछ स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट में हमारे, जैसे कि नागालैंड, असम, मणिपुर और कुछ हद तक मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी इसको कल्टीवेट किया जाता है. इसके जो पीक हार्वेस्ट मंथ हैं वो अगस्त से लेकर सितंबर माने गए हैं और इनको ग्रो किया जाता है लार्ज बैम्बू ग्रोव्स में. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नाग किंग चिली यानी कि राज मिर्चा फेस्टिवल हाल ही में किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सेलिब्रेट किया गया, दिस इज द स्टेट ऑफ नागालैंड. ओके, एक बार फिर से चलिए आर्ट एंड कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं. पहला यहाँ पे प्रोजेक्ट
परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. प्रोजेक्ट परी किस मिनिस्ट्री का है? आंसर है कल्चर मिनिस्ट्री. पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, याद रखिएगा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो ऑल दो नागालैंड का है, लेकिन पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है. अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये केव्स है महाराष्ट्र में. डोगरी फोक डांस इज अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये डांस है जम्मू का. अजरक टेक्सटाइल क्राफ्ट इज मेनली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये क्राफ्ट है गुजरात का. सलहेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट एंड पन्हाला फोर्ट आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये सारे फोर्ट्स आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे. गोती पुआ डांस इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये डांस फॉर्म है ओडिशा स्टेट का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. What is the total allocation for the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan Scheme recently approved by the Union Cabinet? हाल ही में केंद्रीय मंत्री मंडल द्वारा अनुमोदित प्रधानमंत्री जनजातीय उद्यत ग्राम अभियान योजना के लिए कुल आवंटन कितना है? करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 79,156 crore rupees. ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को 18 सितंबर को. पर्पस यहाँ पे क्या है इसका, जो भी ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना. ठीक है, इसको प्रपोज किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इन द 2024-25 यूनियन बजट. और ये स्कीम 5 सालों तक वर्क करेगी, जहां पे टोटल एलोकेशन है इसका 79,156 crore rupees. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कंट्रीब्यूट किए हैं 56,333 crore rupees और स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हैं 22,823 crore rupees. ठीक है, तो इसके थ्रू 549 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा, 2740 ब्लॉक्स को और इसके अलावा 63,000 विलेजेस को, जहां पे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे बेनिफिट पहुंचेगा 2.5 crore टाइप ट्राइबल पीपल. इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के मुताबिक 10.45 करोड़ है फिलहाल. ठीक है, तो टोटल एलोकेशन कितना है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान स्कीम का? दिस इज 79,156 crore rupees. आइए कुछ और गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं जो पिछले दिनों न्यूज में थी. यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वट इज द बजट आउटले फॉर द इंडिया AI मिशन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द इंडियन कैबिनेट? इंडिया AI मिशन को हाल ही में अप्रूव किया गया है विद अ बजट एलोकेशन ऑफ 10,371.92 crore rupees. वट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन मार्केट सेल स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना और मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल करना ड्यूरिंग द लीन सीजन्स. ओके, द रिसेंटली लॉन्च्ड माई IGOT एंड विकास आर रिलेटेड टू विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव? ये दोनों पोर्टल रिलेटेड है मिशन कर्मयोगी से. Recently, which state government has launched an initiative to support the young entrepreneurs called as M Yuva Scheme? M Yuva Scheme है उत्तर प्रदेश की. मधु बाबू पेंशन योजना is associated with which Indian state? यह स्कीम है ओडिशा की. What is the main purpose of the skill loan scheme recently mentioned in the Union Budget of 2024-25? The correct answer is to provide institutional credit for skill development courses. ठीक है, इसके अंदर में basically credit या finance दिया जाएगा skill development courses करने के लिए. In the interim budget of 2024-2025, which of the following crops are taken into consideration for Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan? This is mustard, groundnut, sesame, soybean and flour. Okay. Last question cover kar lete hain. What is the primary objective of Chandrayaan 4 mission recently approved by the Union Cabinet? हाल ही में केंद्रीय मंत्री मंडल द्वारा अनुमोदित चंद्रयान 4 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर है टू ब्रिंग द ल्यूनार सैंपल्स बैक टू द अर्थ. ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है चंद्रयान 4 मिशन को 18 सितंबर 2024 को. पर्पस यहाँ पे क्या रहेगा हमारा कि ल्यूनार सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस अर्थ पे लाना है उनको. ठीक है, तो सिर्फ अब तक USA, रशिया और चाइना ने ये कारनामा किया है और लॉन्ग टर्म गोल यहाँ पे क्या रहेगा, एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को लैंड करना मून पे बाय द एंड ऑफ 2040. ओके, तो इसरो इस मिशन को लीड कर रहा है ऑब्वियसली. और इसी के साथ जो इनका पहले का मिशन था चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, उसी का ये कंटिन्यूएशन रहने वाला है और इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है 2104.06 crore rupees. और मिशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिशन को कंप्लीट करने में 36 months लग जाएंगे, यानी कि 3 साल का ये मिशन रहने वाला है. ठीक है, तो इस बजट में स्पेस क्राफ्ट डेवलपमेंट को कवर किया जाएगा, 2 LVM3 के रॉकेट लॉन्चेस कवर किए जाएंगे, डीप स्पेस नेटवर्क सपोर्ट होगा और स्पेशल टेस्ट कुछ किए जाएंगे. तो बेसिकली आपसे ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए कि चंद्रयान 4 मिशन का पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ है ल्यूनार सैंपल्स को कलेक्ट करना,
मून पे जाके और फिर उनको वापस अर्थ पे लेके आना, ठीक है। लास्ट में चलिए कुछ एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पेरमबक्कम वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये वेटलैंड है तमिलनाडु में। विच टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली रिपोर्टेड द फर्स्ट फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द स्पॉट बेलीड ईगल आउल, दिस इज पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है इसके कुछ हिस्से मध्य प्रदेश को भी छूते हैं, ठीक है। तो कई बार पेंच टाइगर रिजर्व की लोकेशन पूछी जाती है तो महाराष्ट्र एज वेल एज मध्य प्रदेश। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, आंसर इज असम। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इशूड एन ऑर्डर टू फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू प्लांट द यूकलिप्टस ट्रीज फॉर इट्स फाइनेंशियल सस्टेनेंस इन 2024-25, ये स्टेट है केरला। चार्ल्स डार्विन फ्रॉग इज एंडेमिक टू विच रीजन ऑफ इंडिया, ये फ्रॉग आपको मिलेगा अंडमान आइलैंड्स पे। तीस्ता रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू फ्लड इन वेस्ट बंगाल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। रॉस आइस शेल्फ इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, ये शेल्फ है अंटार्कटिका में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने आज सेशन को एंजॉय किया होगा और जैसा आप चाहते थे उस तरह से सेशन को कर दिया गया है। तो अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। इसके अलावा फर्दर अगर आप कोई और सेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। सेशन को मैं वाइंड अप करती हूँ विद सम होमवर्क और आज का होमवर्क आपका रिलेटेड रहेगा नेशनल करंट अफेयर्स के साथ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट्स में लिखने हैं। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एटलीस्ट अटेम्प्ट जरूर करिएगा एक बार, जितने भी आते हैं कोई बात नहीं, आप उनका आंसर लिख सकते हैं। जो नहीं आते वो आप अपने दूसरे फ्रेंड के आंसर्स को चेकआउट करके फर्दर फ्यूचर के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और सेशन को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सबको याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका पीडीएफ फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, ओके। तो चलिए फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं कल, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू हेड सना साइनिंग ऑफ।